हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो सुबह के 5 बजने वाले हैं। रात मैंने अपने घर वालों से डिस्कस किया था, सबको बोला था कि एक सरप्राइज है, हम घूमने जाने वाले हैं। तो जो सुबह उठ जाएगा वो हमारे साथ घूमने जाएगा। बाकी आज दिन काफ़ी लंबा जाने वाला है। पहले हम घूमने जाएंगे, घूमने के बाद फिर हम कुछ खाने वाले हैं। खाने के बाद हमारा प्रोग्राम है कि शाम को भूपल के साथ एक बाइक टेस्ट राइड करनी है। तो हम कौन सी बाइक चलाने वाले हैं वो भी दिखाएंगे। तो करते हैं आज व्लॉग की शुरुआत। चलिए। टिकट काउंटर पर और यहाँ पर इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ एंड फॉरनर्स के लिए 600। तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग अ स्कैनर। और ये रहा रफी भाई, और मैंने भैया को पे कर दिया है। आई एम वेटिंग फॉर द टिकट्स। आ चुके हैं हमारे टोकन्स, 4 टोकन्स। राफे का टोकन नहीं लगेगा क्योंकि वो 8 साल से छोटा है। यहाँ से अंदर आओगे तो आपको एक रास्ता दिखेगा जाता हुआ टिकट काउंटर के नेक्स्ट। आगे से घूम के रास्ता बना दिया, पहले स्ट्रेट था बट अभी थोड़ा सा यहाँ पर काम चल रहा है। थोड़ा सा शायद इन्होंने एक्सटेंड भी किया है, पहले एरिया इतना नहीं था, पहले ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, तो इसलिए शायद ये थोड़ा सा घुमा के इन्होंने रास्ता बनाया है। तो अब चलते हैं सीधा अंदर के एंट्री की तरफ। एंट्री से निकलते हैं अंदर, फिर आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू जो कि होने वाला है लाजवाब। जो एरिया है सामने की तरफ और पीछे आपको दिख रहा होगा एक टोम्ब। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ये ईसा खान का मकबरा है जो कि 1547 में बना था। अभी ये एरिया थोड़ा सा बंद है, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। ये एक मैप बना रखा है इन्होंने, ईसा खान का मकबरा, यस 1547 का बना हुआ है। तो आने वाला है फर्स्ट गेट हमारा, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम चल रहा है। अब देखो बीच में, तो ये और सुबह सुबह का टाइम है, कोई नहीं है, हम बिल्कुल ही अकेले जिसे कहते हैं ना, घुसे हैं अंदर। आगे 2 लोग हैं जो हमसे पहले आ गए थे, उन्होंने भी टिकट काउंटर पे जाके सही टाइम पे टिकट ले लिया, तो वो भी अंदर जा चुके हैं। और ये आ रहा है फर्स्ट गेट, और इस गेट के बाद एक नेक्स्ट गेट और आएगा, उसके बाद स्ट्रेट सामने की तरफ आएगा हमारा हिमायूं टॉम्ब। मुगल आर्किटेक्चर की बात थी वो ये थी कि जो नक्काशी की हुई है दीवारों पे, वॉल्स पे, काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को रिस्टोर करने की कोशिश की गई है। और आप देख सकते हो अमेजिंग होते थे ये सब नक्काशी वाले काम। ये जालियां हैं जिनके थ्रू हवा क्रॉस होती थी, क्रॉस वेंटिलेशन। सोचो आप, इधर से भी हवा आ रही है, सामने भी से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, तो बड़ा सही रहता था। तो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट गेट हमारा ये पड़ा था, इसको हलीमा गेट भी बोलते हैं, देख सकते हो आप, इसका नाम है हलीमा गेट। और नेक्स्ट आगे हम चलेंगे तो ये एक और पार्ट है, अरब की सराय बोलते हैं इसको। ये अरब की सराय का पार्ट है, और इसका व्यू एक छोटा सा सिनेमैटिक में मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। रे ये गेट है, ये 14 मीटर हाइट है, आई मीन 14 मीटर की हाइट है इस गेट की, और ये 1560 ईस्वी में बना था। और अब हम चलते हैं जिसको हमें बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि हमें जाना है आगे और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हिमायूं टॉम्ब। तो हिमायूं का मकबरा अभी स्ट्रेट है, स्ट्रेट जाना है हमें आगे। और अफसर वाला टॉम्ब है, और मॉस्क भी है पीछे की तरफ, ये मॉस्क है। और अरब की सराय जिसका गेट मैंने आपको अभी दिखाया कि इतना लंबा गेट है उसका, और आगे बार्बस टॉम्ब भी है। तो बट हमें जो मेन चीज़ रिव्यू करनी है उसको देखने जा रहे हैं हम, वेस्ट गेट। इस वेस्ट गेट की जो हाइट है दैट इज़ 16 मीटर्स,
ये देख सकते हो आप 16 मीटर है और अंदर से एक छोटा सा झलक दिख रही है हिमाई स्टॉर्म की। तो अब चलते हैं इस गेट से अंदर, एक छोटा सा सिनेमैटिक मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ कभी। लागे नहीं कभी जवाब। और ये इधर की तरफ चार बाग है, एक बाग, दो बाग, तीन बाग एंड चार बाग। इसके चार गेट्स हैं, पीछे वेस्टर्न गेट से तो हम आई हैं, बाकी एक गेट यहाँ लेफ्ट में है, सॉरी लेफ्ट में है, एक गेट राइट में है और एक पीछे की तरफ है। और यहाँ पर करीबन 150 यानी 150 कब्रें हैं। माइस टॉम हमारे पीछे है, ये 1565 में बना था एंड कैन यू बिलीव इट के 80 साल के बाद ताजमहल बना है। ताजमहल पहले नहीं बना है, लोगों को लगता है कि ताजमहल पहले बना होगा बट ताजमहल इसके बाद बना था। और ये सारा लाल पत्थर का है और ताजमहल वाइट है। तो अभी आगे का मैं आपको दिखाता हूँ, चार बाग मैंने आपको दिखाया है, चार बाग हैं, चार गेट्स हैं, तो आगे के चलते हैं और व्यू देखते हैं। टोटल ऊपर 150 कबर है मुगल फैमिलीज की। तो ये जीना जा रहा है सामने से, अब चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं ऊपर क्या क्या है। और ऊपर से व्यू बहुत अमेजिंग है यार, और सीरियसली लाल पत्थर का ताजमहल लगता है तो बिल्कुल देखने में, तो बिल्कुल ऐसा लगता है सामने ताजमहल है, बट इतना ही फ़र्क है कि ताजमहल थोड़ा सा इससे बड़ा है और वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। और यहाँ पर सारा काम, सारी नक्काशी, सारा जो पत्थर यूज़ हुआ है वो रेड है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एक बड़ा अमेजिंग सा व्यू आता है जब आप इस स्टेयर से चढ़ते हो। थोड़ी सी स्टेयर जो है वो खड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये आगे राफे जा रहा है स्टेयर्स पे और ये दिख रहा है हल्का सा टॉम का व्यू। तो अभी हमें ऊपर चलते हैं, सावधानी से कभी गिर जाए, कैमरा भी जाए और हम भी जाए। बाकी आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ना ग्रेव्स हैं और कुछ ग्रेव्स इसके अंदर भी हैं और आगे की तरफ भी कुछ ग्रेव्स हैं, इसके पीछे भी हैं, अंदर जो कमरे हैं उसके अंदर ग्रेव्स हैं बेसिकली। तो बोलते हैं कि 150 ग्रेव्स इन टोटल हैं जो कि इस मकबरे में मुगल शासन के दौरान जिन लोगों की डेथ हुई उन लोगों की ग्रेव्स यहाँ बनाई गई। तो अंदर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ सब कुछ। तो जो अंदर की तरफ जाने का रास्ता है वो पीछे की तरफ से है, आगे से रास्ता नहीं है। और ये रहा सामने वाला गेट और फिर नीचे उतरने का रास्ता है। तो ये रहा गेट जो कि खुल रहा है, लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये है अंदर का रास्ता, सामने ग्रेव है और आप ये देखो यार कितना अमेजिंग तरीके से यहाँ पर पत्थरों का काम है, नक्शाशी हुई रखी है दीवारों पर।
और ये छोटे छोटे झरोके होते थे जिनके थ्रू हवा पास होती थी। अंदर और भी ग्रेव्स हैं और ये सामने वाली तरफ भी ग्रेव्स हैं। बाकी इन्होंने गेट्स पे ताला लगाया हुआ है, तो दिखाता हूँ मैं अंदर की तरफ जाकर रास्ता एक बार। तो चलते हैं। तो यहाँ भी ग्रेव है और एक बड़ा लंबा सा लैम्प लटका हुआ है और काफ़ी ऊंची हाइट पे टंगा हुआ है ये। तो मेरे ख्याल से ये भी एंशंट वो है जो कि टंगा हुआ है। और सेम सामने की तरफ से जाली है, कब्र है, पीछे की तरफ से भी ये झरोके बने हुए हैं। तो जो दरवाजे हैं इन्होंने जनरली ज़्यादातर अंदर से खोल रखे हैं, बट एक दो दरवाजे हैं मेन वो बंद हैं। तो आवाज़ मेरी गूंज रही है, एको हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं पीछे क्या है और यहाँ से निकलते हैं आगे। चलिए, करीब 26 एकड़ की ये जगह थी और बाकी यहाँ पर इस बहुत सारी एरिया को कवर किया गया है। तो अब ये 56 एकड़ है इन टोटल जो कि लैंड है। और ये पीछे की तरफ एक छोटा सा मकबरा और है। तो ये चारों तरफ जो कि एरिया है वो 56 एकड़ है और यहाँ पर करीबन 150 टोटल ग्रेव्स हैं। जो ऊपर की तरफ टॉम के अंदर यहाँ पर जितनी भी ग्रेव्स हैं वो करीबन 40 के राउंड होंगी, 38 या 40 के राउंड। बाकी सारी ग्रेव्स आगे की तरफ हैं, पीछे की तरफ हैं। तो बड़ा सुकून रहता है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जितने भी हैं दिल्ली में स्पेशली, वो सुबह खुल जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर आप आ रहे हो ना तो बहुत ईजी रहता है। मतलब एक तो आपको रश नहीं मिलेगा बिल्कुल भी और सुकून से एक्सप्लोर कर पाओगे चीज़ें। तो बेस्ट टाइम ये है कि आप सुबह उठो। हाँ, उठना मुश्किल काम है, एक बार उठ के आ गए तो बहुत इजी है। आप आए तो आधी फाइट तो आपने ख़त्म कर ली, क्योंकि आप जब रश आवर्स में आओगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। अभी भी देख सकते हो आप सूरज चढ़ चुका है और हम बस निकलने वाले हैं अब आगे की तरफ। आगे मेरा प्लान कुछ और है, क्योंकि आज पूरा दिन बिजी हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे जाना है अपने फ्रेंड भूपिल से भी मिलने। भूपिल आ रहा है, उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो रोडस्टर से रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाले हैं हम। बाकी एक हंटर भी चलाने वाले हैं आज, तो वो भी अलग मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो, अब आगे की तरफ चलते हैं। जीने से हम लोग चढ़ के आए हैं, वो बहुत स्ट्रेट है यार, और इसीलिए इन्होंने दोनों तरफ पाइप लगाए हुए हैं। आदमी पकड़ के उतरे और सीरियसली उतरना भी चाहिए यार। अगर हल्का सा भी आप स्लिप करते हो ना तो सीधे जाके मुंह टकराएगा। ओह गॉड, ओह गॉड, अब पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। ओ हिमायू स्टॉम, और हिमायू स्टॉम में वो बेंच आपको दिख रही होगी सामने, ये वाली बेंच। तो ये वो बेंच है जहाँ पर आज से 12 साल पहले पहली बार मैं अपनी वाइफ से मिला था। यस, सानिया और मैं पहली बार यहीं मिले थे, तो यहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। सानिया की बड़ी बहन थी उनके साथ, तो हम दोनों यहीं मिले थे। और देन फिर उसके बाद हमारी इंगेजमेंट हुई एंड देन वी गॉट मैरिड। तो राफे को मैं यही बता रहा था कि राफे देखा तुमने काम मिले थे के टाइम जब आप निकलोगे, मतलब एंट्री या एग्जिट, तो यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने अवशेष जिसे कहते हैं ना मॉन्यूमेंट्स के, जो खुदाई के टाइम पे इनको जो सामान मिला वो सब यहाँ रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो मटके हैं, छोटे छोटे दिए टाइप्स हैं। ये इन्होंने छोटा सा संग्रहालय यानी म्यूजियम बना रखा है और अंदर इन्होंने मैप्स भी लगा रखे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या काम चल रहा है। तो बहुत अच्छे से रिस्टोर किया गया है चीज़ों को। तो ये सब रिस्टोरेशन वाला वर्क दिख रहा होगा आपको, लोग मजदूर काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इसको रिस्टोर कराया है और जो चीज़ यूज़ हुई है इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है, बेसिकली सीमेंट यूज़ नहीं हुआ है। जिस चीज़ का ये बना हुआ है उसी चीज़ को, उसी टाइप ऑफ मटेरियल को यूज़ करके इसको रिस्टोर किया गया है। तो ओरिजिनलिटी अभी तक मेंटेन है। एंड द अदर साइड वी हैव द एंटायर जो कि एरिया है अपना। तो जैसे कि मैंने पहले बोला 56 एकर्स इज़ द टोटल एरिया, पहले 26 था अब 26 है। बाकी जो डिफरेंस है वो ये है कि ताजमहल इसके बाद बना था, 80 ईयर्स के बाद ताजमहल बिल्ट हुआ, ताजमहल से पहले की चीज़ है। और चारों तरफ जैसे ताजमहल में टॉम्स हैं, इसमें टॉम्स नहीं है, तो छोटा मोटा डिफरेंस है। चलिए आगे नहीं, आगे की तरफ। और लकीली ईसा खान का जो टॉम था वो अभी खुल गया है,
तो मैं आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ एक बार ईसा खान टोम का, जो कि 1547 में बना था। ओह माय गॉड कितना पुराना है यार। तो यहाँ पर भी कब्र है, और ये पीछे की तरफ एक मॉस्क है, मस्जिद है वहाँ। अब वहाँ नमाज नहीं होती, पहले नमाज होती थी। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ अब इसका। तो आई जस्ट होप कि हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे और राफे के साथ आपको घूमने में मज़ा आया होगा। तो अगर हमारा अब तक का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाकी इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आगे भी और बहुत सारे प्लान हैं आज पूरे दिन में। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और हाँ अगर आप शादीशुदा हैं तो प्लीज़ अपनी बीवियों का ख्याल रखें यार, क्योंकि बीवियों को छोड़ के घूमने के लिए आना पड़ता है, व्लॉग बनाने के लिए आना पड़ता है। सायनारा। लागे नहीं कभी ना।